देखिए फ्रेंड्स, आज हमने घर में बनाया है बंगाल का प्रसिद्ध नाश्ता दही चूड़ा, दो तरह से, एक नमकीन और एक मीठा। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे और किन किन चीज़ों से बनाना शुरू करते हैं। दही चूड़ा देखिए कितना बढ़िया बना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही चूड़ा। ये बंगाल का प्रसिद्ध नाश्ता कहिए, स्ट्रीट फूड कहिए, आपको बाजार में भी ये आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, दही चूड़ा। इसका बनाने का ढंग थोड़ा सा अलग है, ये दो तरह से बनाया जाता है, मीठा भी बना सकते हैं, नमकीन भी बना सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह से बना के दिखाऊंगी और इसके बारे में एक कहानी भी है। चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य बड़े उदास थे, उन्होंने उनसे पूछा क्या हुआ, वो चुप रहे, तो उन्होंने कहा चलो आज आप तुम अपने पूरे सत्संगियों के लिए, अपने शिष्य साथियों के लिए खाना बनाओ। तो उन्होंने दही चूड़ा बनाया। तो ये बंगाल का में इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वहाँ के लोग बहुत शौक से खाते हैं और सबको खाने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने लिया पोहा, इसको मैं दो तरह से बनाऊंगी, मीठा भी और नमकीन भी। इसको मैं आप पानी से अच्छे से धो लूँगी। अच्छे से धो लिया मैंने इसको। अब हम इसका देखिए पानी कितना गंदा क्लाउडी सा निकलता है, क्योंकि मैं दो तरह से बनाऊंगी तो मैंने दो बर्तन लिए हैं। एक में मैं दोनों बर्तनों में थोड़ा थोड़ा पोहा डाल दूंगी, जितना मुझे बनाना है मैं उतना बनाऊंगी, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार लीजिए। ये देखिए पोहे को मैंने धो लिया अच्छे से और दो बर्तन में अलग अलग निकाल लिया। ये दो तरह से सर्व किया जाता है, एक मीठा और एक नमकीन। तो मैं आपको दोनों तरह से ही बना के बताऊंगी। जो मैंने मीठा बनाना है उसमें मैंने ये लिया ऑरेंज जूस, ये मेरे को पसंद है, थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है, इसमें मैं ऑरेंज जूस डाल दिया मैंने। इसको हम बनाएंगे दही चूड़ा। इसके लिए मैं इसमें डालूंगी दही। ये देखिए दही हमें इतनी डालनी है जिससे कि हमारा चूड़ा पूरी अच्छी तरह से मिल जाए। दही को मैं अच्छे से विस्क कर लूँगी और ये लगभग मेरा एक बॉल दही है। पानी मैंने आपके सामने देखिए, अब चूड़ा मेरा बिल्कुल सूखा है, मैंने बस केवल धोया है इसको, और दही में इसको अच्छे से भिगोएंगे, क्योंकि ये हम नमकीन बनाएंगे तो नमक इसमें हम साथ में ही डाल देंगे, जितना नमक हमें ज़रूरत है। खाने के लिए मैं ये कुछ फ्रूट्स लूँगी, मैंने इसको भिगोया भी, आपने देखा ऑरेंज के जूस में है, ये एप्पल, बनाना, अनार। क्योंकि मीठा वो गुड़ से करते हैं, वहाँ का गुड़ बहुत ही बढ़िया होता है, ताड़ का गुड़ मिलता है जिसका टेस्ट गज़ब का होता है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें डालूँगी शहद, फ्रूट्स भी थोड़े से मीठे हो जाएंगे, थोड़ा सा शहद, और शहद को पोहे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा गर्मी में बहुत अच्छी ठंडक मिलती है, और एक बॉल आप ये खाएंगे आपको पूरी न्यूट्रिशन मिलेगी। और पोहा खाने का ये फ़ायदा भी होता है, इससे पेट भरा रहता है, आपको जल्दी से खाने की भूख नहीं लगती है। दही आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। एक तड़का पैन, तड़का पैन मैंने पहले से ही गर्म होना रख दिया था। तड़का लगाते समय पहले पैन को गर्म करें और फिर उसमें तेल डालें तो तड़का बहुत अच्छा बनता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये सरसों का तेल। देखिए तेल गर्म हो गया, इसमें मैं डाल दूंगी, ये मैंने लिए उड़द की दाल, धुली उड़द की दाल, ये चने की दाल, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, और ये बिना भीगी हुई है, भीगी हुई दाल नहीं है ये। और साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें मैं सरसों के दाने, इसको अच्छे से तड़कने देंगे, और साथ में ये दो साबित लाल मिर्च, तोड़ के डालें वरना ये फट जाती हैं। अब हमारा तड़का तैयार है। ये सारा छौंक मैंने पोहे पे डाल दिया, देखिए कितना बढ़िया सा हमारा छौंक लग गया, और हमारा खाने के लिए दही चूड़ा बिल्कुल तैयार है। इसको मैं इसमें थोड़े से अनार के दाने डाल देती हूँ। ये देखिए हमारा दही चूड़ा तैयार है। चलिए जो अब हमने मीठा बनाया है उसको भी असेंबल कर लेते हैं। कितना फूल गया है और बढ़िया सा बन गया है। अगर आप इनको इसी तरह से मिट्टी के बर्तन में सर्व करेंगे तो बहुत ही ठंडक देगा। ये मैंने बॉल लिया और इसमें मैं डालूंगी फ्रूट्स, आप अपनी पसंद से कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी फ्रूट्स और ऊपर से पोहा। मिट्टी के सकोरे में इतना सुंदर नहीं लगता,
अगर हम इसको कांच के बर्तन में सर्व करेंगे तो देखने में भी सुंदर लगेगा। मैं आपको एक छोटे से कप में सर्व करके दिखाती हूँ। फ्रेशनेस के लिए पुदीना इस तरह से टैप करें और डाल दें तोड़ के, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। ये देखिए, ये हमने मीठे वाला बनाया और ये बनाया नमकीन दही चूड़ा। थैंक यू।